वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक क्लास एट का आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है क्लास एट का मैथ्स चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.2 स्क्वायर रूट टॉपिक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग को आज कुछ मजेदार टॉपिक है जो स्क्वायर रूट फोर्थ डिजिट फिफ्थ डिजिट या सिक्स डिजिट का जो क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फास्ट मेथड से, जिसका नेम क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय वंस एंड टेंस मेथड। अब ये मेथड का क्या है, इसका कुछ कंडीशन है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो भी आपके नंबर गिवेन होंगे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वंस एंड टेंस मेथड से हम स्क्वायर रूट फास्ट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसके लिए कुछ मैंने रूल्स बताया है, उसको समझिएगा। आपको जब हम स्क्वायर पढ़ा रहे थे स्क्वायरिंग, तो हम बताए थे किसी भी डिजिट का कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये मैंने क्लियर किया था। लेकिन अब किसका लास्ट डिजिट, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 0 होगा, क्लियर है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है तो कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहां जो हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे वो परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे और उसका लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे, 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे, क्लियर है। तो लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट ऐसे होंगे, तो लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर, तो आंसर का लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या होता है, इसको समझना है। क्वेश्चन का जब लास्ट डिजिट 1 है तो आंसर का लास्ट डिजिट जो होगा 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन हम बताएंगे जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि 1 होगा कि 9 होगा, कौन होगा एग्जैक्ट, उसके लिए मैं बताऊंगा। चूंकि 9 का स्क्वायर 81 तो लास्ट डिजिट 1 आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर भी 1, इसी तरह 4 होगा तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 8 या तो 2 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 लास्ट में आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 और 4 हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 6 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर 9 जब रहेगा लास्ट डिजिट क्वेश्चन का तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, 0 तो 0 आएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैंने बताया था जब स्क्वायरिंग पढ़ा रहा था तो आप लोगों को 1 से एटलीस्ट 30 तक स्क्वायरिंग याद रखो, क्लियर है, 30 तक स्क्वायरिंग याद रखो, या सबसे बेहतर है कि 50 तक स्क्वायरिंग याद रखो, क्लियर है, तो ज्यादा बेहतर होगा, आप फास्ट फाइंड करोगे। जैसे क्वेश्चन दिया है 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है वंस एंड टेंस मेथड से, तो इसका पहला रूल क्या है बच्चे कि आप राइट से डबल डिजिट को पहला पार्ट में लोगे, फर्स्ट टू डिजिट को क्या लोगे राइट साइड से फर्स्ट टू डिजिट को पहला पार्ट में रखोगे और जो भी डिजिट बचेंगे उसको सेकेंड पार्ट में करोगे, यानी क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्लियर है। अब डिवाइड मैंने कर दिया, उसके बाद क्या करना है, या सेकेंड पार्ट में वो 3 डिजिट हो या 4 डिजिट से मतलब नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप राइट साइड से 2 डिजिट को पहला पार्ट में रखोगे, अब बाकी जो भी जितना डिजिट बढ़ जाएगा वो सेकेंड पार्ट में चल जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसका क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 है तो आंसर का लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 होगा या तो 9 होगा, मैंने यहां रिटेन कर दिया। अब जो ये सेकेंड पार्ट में जो 15 बचा है, जो भी बचा है, तो यहां पे चेक करना है बच्चे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, ये 15 जो है कौन से दो डिजिट के स्क्वायर के बीच में है, यानी बिटवीन में है, मिड में है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में 15 है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और यहाँ 15 है तो ये भी तो कम है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ क्या है 15, तो ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला कभी नहीं लेंगे, लेंगे क्या 3 वाला को, तो ये 3 आंसर फिक्स हो गया, यहाँ पे 3 आंसर क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, ज्यादा वाला नहीं लेंगे, लेंगे हमेशा कम वाला, स्क्वायर नहीं लेना है आपको, 3 ले लेना है, क्लियर हो गया। अब इस पे बात करते हैं कि 1 होगा कि 9 होगा,
इसके लिए मैं बता रहा हूँ, वन होगा कि नाइन होगा। तो वन और नाइन को हमने फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो थ्री और फोर का स्क्वायरिंग जो हुआ है तो ये थ्री और फोर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे कितना ट्वेल्व। अब देखना है कि ये जो सेकेंड पार्ट है ये ट्वेल्व से क्या है, ग्रेटर है, ये क्या है, ग्रेटर है। तो ये दोनों में देखना कौन ग्रेटर है, नाइन, तो यहां नाइन लिख देंगे। अगर सपोज करो कि ये दोनों जो प्रोडक्ट किया यहां पे और ट्वेल्व आया और यहां फिफ्टीन ए जो सेकेंड पार्ट है एक कम आता, क्या था, एक कम हो जाता, तो ए दोनों में जो कम होता वही आंसर लिखा जाता। लेकिन यहां क्या है, ग्रेटर है, तो यहां देखेंगे कौन ग्रेटर है, नाइन, तो नाइन आंसर हो गया फाइनल। चलिए इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो तो फोर लास्ट डिजिट है, तो फर्स्ट टू डिजिट को पहला पार्ट जो भी बचा उसको सेकेंड पार्ट में मैंने लिया। फोर लास्ट डिजिट है तो उसका एट और टू के स्क्वायर में होता है। आंसर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट फोर है तो आंसर का लास्ट डिजिट एट या तो टू होगा, ठीक है। अब सेवनटीन किसके किसके स्क्वायर के बीच में, फोर और फोर के स्क्वायर और फाइव के स्क्वायर के बीच में है, तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ये तो कभी नहीं होगा, तो होगा क्या, फोर, ये मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्लियर है, ज्यादा कभी नहीं होगा। अब एट होगा कि टू होगा, इसके लिए दोनों का प्रोडक्ट किए ट्वेंटी और 20 से क्या है, लेस है, तो ये दोनों में लेस कौन है, कम कौन है, टू, तो टू आंसर होगा, यानी फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में टू डिजिट को लिए, सेकंड पार्ट में जो भी डिजिट यानी थ्री डिजिट को लिए, आपको पता है कि लास्ट डिजिट फाइव है क्वेश्चन का, तो आंसर का भी फाइव होगा, ये फिक्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ दो डिजिट नहीं आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसके किसके स्क्वायर के बीच में, इलेवन का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का 144 तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, 11, 11, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल।